सब्सक्राइब करिए धनु की दुनिया यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। जय श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में। बात करेंगे धनुराशि वाले जातकों का पाँच दिन कैसा रहेगा। 13, 14, 15, 16, 17 नवम्बर महीने का ये पाँच दिन कैसा रहेगा। साथ ही में दिवाली भी है, माता लक्ष्मी की कृपा जो है आपके ऊपर कैसी बनेगी इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए मित्रों वीडियो की शुरुआत। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ धनुराशि वाले जातकों के लिए ही वीडियो मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं ये पाँच दिन आपके जीवन के कैसे रहेंगे। धनुराशि वाले जातकों को इन पाँच दिनों में व्यापारिक प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ेगा। आपके व्यापारिक खर्चों में वृद्धि होगी। कुछ जातक जो हैं विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को सामाजिक अपयश का सामना करना पड़ सकता है, मानहानि हो सकती है। करियर में बदलाव के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। कार्यों में सफलता मिलने के आसार दिख रहे हैं। परिवार में किसी सदस्य से संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है। ननिहाल पक्ष से प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन आपके कार्यों में सफलता दिलाए। परिवार में तनाव से बच्चे तथा सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। प्रेम जीवन में वाणी की कठोरता में संबंध में दरार आ सकती है। विवादों से दूर रहिए, यही सलाह रहेगी। सोशल मीडिया तथा तकनीकी क्षेत्र से जुड़े जातक हैं उनको लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारिक कर्ज निवेश के लिए यदि प्रयासरत हैं तो किसी परिचित की मदद से सफलता की अधिक संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कार्यस्थल पर हालात में सुधार होगा। सहयोगी की सलाह से लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखिए। जीवन साथी के जो ससुराल पक्ष है उसके तरफ से आपको थोड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है जिससे आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। ननिहाल पक्ष भी सक्रिय रहेगा इस अवस्था में। इन पाँच दिनों में उनसे अगर आप किसी मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे तो वो मदद आपकी कर सकते हैं, जिससे आपके बहुत ऐसे काम जो पड़े पड़े हैं, बीच में अटके पड़े हैं आर्थिक समस्या के कारण, वो पूरे हो सकते हैं। दोस्तों मित्रों से थोड़ा सावधानी बरतिए। मित्रों से बात करते समय कोई आपका जो जिससे आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं वो आपको इन पाँच दिनों में धोखा दे सकता है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए। वैसे लोगों से जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सिर्फ आपकी कमियों के नहीं, जो आपकी कमियां भी हैं उसको भी अच्छे तरीके से पेश करते हैं, उनसे आपको दूर रहने की सलाह दी जाएगी। स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की सलाह दी गई है आपको। सुझाव जो है सुख समृद्धि हेतु माता लक्ष्मी की पूजा करिए अच्छे से और उनसे अपनी सारी समस्याएं बताइए। माता लक्ष्मी की कृपा जो है आपके ऊपर अवश्य बनेगी। माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, आपके दुखों को अवश्य दूर करेंगी। तो मित्रों ये था आपके पाँच दिनों का दैनिक राशि। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिए। ये पाँच दिन मंगलमय बीते, शुभ बीते, अच्छे बीते, यही कामना करते हैं। जय श्री राधे।